दोनों गेम को भी स्कोरिंग का आगाज करना बाकी है। बाल को संभाला खिलाड़ी यूनिक शर्मा हुसैन, बड़ी प्यारा ड्रॉप मानो ऐसा लगेगा हमारा गारमेंट्स के खिलाड़ियों को किसी मासूम बच्चे ने अचानक दांते काट दिया हो। गन अगेंस जीरो, किसका है इसके बाल अरे मोहम्मद अशरफ साहब, दूसरे के चक्कर में आउट और राइट के चक्कर में मिश्रा शर्मा रहा उनके दूसरे साथी मिश्रा साहेब कटोली स्कोर आ रहा फिर इंसल्लम 3-0 टच चार का चक्कर वेरी स्ट्रॉल जैसा में गोता लगाते बाल को संभालने का भरक प्रयास इन बाल छलकती है टाई लाइन के बाहर ना सर्विस चेंज अच्छे सर्विस डिफेंडर मेहमान लंबा क्रॉस किया बाल उस मलक है बाल अभी का इशारा बाल को संभाला खिलाड़ी एक और तीन पर स्कोर एक और तीन पर ये महाभारत गोशा शॉट बाल का खूबसूरत हाथ दिया डाश के मानी होता है धोखा देना बड़ी खूबसूरती से धोखा दिया कलाकारों को निहाल अहमद खुद सर्विस पर रन बाउंस करने वाले इसमें सर के लिए मुश्तरक 100 रुपये की नाम है आरक्षक प्रधान खपरा गांव बंडवा मसाबाद की जानेब से और मुश्तार अशरफ शहबाज का स्कोर फूलभर की जानेब से ये 50-50 रुपये के नाम है रन बाउंस पर अच्छा वन बाउंस पे काशिफ ने सभी का भी एटीएम खुला है शायद 100 रुपये के नाम वन बाउंस पर काशिफ ने सभी की जानब से भी शायद उनका भी एटीएम खुलने वाला है लेकिन उनके पास एटीएम होगा कहाँ एटीएम तो कुछ दौर में शुरू हुआ है अभी डिजिटल दौर है उन लोगों के जमाने में तो मोबाइल था नहीं और कभी किसी शायर ने यूं कहा था कि अब कहां काम कबूतर से लिया जाता है आजकल इश्क मोबाइल पर किया जाता है और प्यार की मैं को जरूरत कहां पैमानों को प्यार का जाम निगाहों से किया जाता है बाल संभली और जिंदगी के लिए मरमर के किया जाता है प्यार का घोट भी अभास की किया जाता है हमने देखा है कि दो वक्त की रोटी के लिए अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है फिलहाल इसको बराबर तालियों से इस्तेमाल करें क्योंकि आप लोग खेल देखने के मूड में तो तालियां बजाते रहे चूंकि खेल के मैदान पर खामोशियां अच्छी नहीं लगती कि मिलना था इत्तेफाक बिछलना नसीब था वो इतना दूर हो गया जितना करीब था और शहर के सारे ही लोग आतिश परस्त घर जल रहा था समंदर करीब था जी शुक्रिया ताकि ऐसा लगे कि आप लोग खेल देखने के मूड में हैं गुड शॉट बाल को लिया निहाल अहमद ने और ये मोहसिन भाई उमदा का दिन खूबसूरत बचाव का उल्टा जाए लंबा गेंद बाल टाई लाइन के बाहर एडवांटेज टू कटोली स्कोर 4-3 21 पॉइंट का यह मुकाबला बहुत ही रसा कश्मकश भरा यह मुकाबला कभी एक कदम आगे निकलती है कटोली कभी एक कदम आगे निकलती है हमारा गारमेंट्स भी सर्विस पर कब्जा होता हुआ और हमारा गारमेंट्स के खिलाड़ियों का आयशा क्राफ्ट स्टोर न्यू मार्केट सराय मेरे क्यों नर्सरी डॉक्टर हलीम साहब यहां पर तशरीफ रखते हैं स्वागत है आपका भी शानदार मुकाबला बल्कि यूं कह लिया गया कि दो डॉक्टरों ने मिलकर किया एक मरीज का सफल ऑपरेशन हल्का हाथ लो सिम शारदा इसमें सरापल हमारा गारमेंट्स रानी 3-5
कभी कभार लोग जो अपने बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बेटे 3-5 मत किया करो, मगर स्कोर है 3-5 का। प्रियंस भाई मोहम्मद आमिर मोहज़बी नाजिश मोहज़बी जो हमारे इस टूर्नामेंट के मेहमान हैं, साकिब साहब मोहज़बी और सहेब साहब मोहज़बी, उमर साहब मोहज़बी है, बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाया है। और जो मुंतज़मीन कमेटी के जो नौजवान हैं उनका नाम कुछ इस तरह से हंसला बिलाल अहमद मोहम्मद आकिब मोहम्मद आतिफ जमीर सलमान शेख अजमल अकबर जैद फैजान अरमान इलेक्ट्रीशियन अयान फहद जकीर तनवीर अरबाज गुलशेर भी प्रणाम रखते हैं बच्चों इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में। बड़ी कामयाबी के साथ टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है। यानान बालसमी मेहमान टू राइट हैंडर अच्छा चक्कर अपने मकसद में कामयाब, बड़ी देर के बाद एक पॉइंट हासिल किया है। अब हमारा गारमेंट्स रायगीर के खिलाड़ियों ने दोनों तरफ का लश्कर अपनी अपनी तरकश के तीर को आसमाइश में लाता हुआ दाव सिंपल अंडर आर्म सर्विस लेफ्ट हैंडर निहाल के हाथों को बाल चूमते कोर्ट से बाहर। अच्छी सर्विस डिफेंडेड अकरम चुनाव ब्लॉक नाउ स्कोर इज लेवल दोनों टीमों के स्कोर बराबर 5-5 मसूर जुम्मन साहब मिस्टर साहब मंजीव पट्टी अचार कलाम बन्नी साहब तमाम लोग हमारे बीच मौजूद हैं बिलाल जामे शामे साहब उमर शाहिद तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। 5-5 रन बाउंस करने वाले इसमें सर के लिए 100 रुपए की नाम करके अर्षद प्रदान का पड़ा गांव और मिस्टर अशरफ साहब तो शहबाज का स्टोर पूर्व की जानेब से भी 50-50 रुपए की नाम है, यानी एक वन बाउंस पर 200 रुपए की नाम है। काउंटर लंबा हिट एंड बट नो टच प्लीज नो कमेंट्स 5-7 पर सर्विस पर कब्जा होता हुआ डिफेंडेड। जितने बच्चे कुर्सियों बैठे ब्राइन में बने कुर्सियां खाली कर दें अपने आई मेहमानों को बैठने की जगह दें, तो सर्दी का ये मौसम है वरना ये खुले आसमान के नीचे भी बर्दाश्त की जा रही है या शायद ही कोई तैयार होगा ऐसे मौसम में खासतौर से जहां आसमान से धूप गिर रही है कोहरे की चादर तनी हो चारों तरफ और ऐसे में खुले आसमान नीचे बैठने के लिए कहा जाए तो मुमकिन कोई बैठने के लिए तैयार हुआ। कहते हैं कि मेरी हर ख्वाहिश कहकर टाल जाता है दिसंबर जनवरी में कौन नहीं टाल जाता है। मोहब्बत और आपकी मौजूदगी हमारे इस टूर्नामेंट की खूबसूरती में इजाफा कर रही है। तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि मैंने पहले कहा था कि मैं आसनी हूं और फक्र मुझको, मेरा शहर अमन का गढ़ है, यहां के लोगों के दिल हंसी है, यहां की सोचें हसीन कर है। अमन और शांति का पैगाम खेल के मैदान से दिया जाता है। एक ऐसा ये स्टेज तैयार होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर कई धर्म कई कास्ट कई मजहब के लोग इकट्ठे होते हैं। यही तो हमारे मुल्क की खूबसूरती, इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर साथ रहते हैं। हमारे इस टूर्नामेंट में कुछ रंग भरने की कोशिश किया है। वन बाउंस पर 200 रुपए का पुरस्कार है। अब सवाल यह होगा कि कौन वन बाउंस करने में कामयाब होगा। हालांकि क्षमता ये कला ये हुनर ये ताकत इन खिलाड़ियों के अंदर मौजूद है, लेकिन कौन वन बाउंस करेगा ये समय के गर्भ में फ्यूचर में छुपा हुआ बाल को संभाला मौसम में उछालगी लिफेंडर अमान के लंबा हाथ दिया रेस विदिंग शॉर्वेल्स में सराब अमान ना सर्विस चेंज एडवांटेज टू कटौली स्कोर और 6 सेकेंड से लंबा है कि बटे। अच्छा ये बच्चे मुहज्जबपुर के छोटे छोटे बच्चे ग्राउंड के चारों तरफ फुलझड़ियां छोड़ रहे हैं आतिशबाजियां हो रही हैं
ऐसा लग रहा है किसी शहजादे की बारात आई। खिलाड़ियों का स्वागत बिल्कुल शाही अंदाज में कर रहे हैं महासत्व के मासूम बच्चे। ये छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र गारबन 8 से 9 साल के बच्चे हैं और बच्चियां, अपने इन खिलाड़ियों का स्वागत बिल्कुल शाही अंदाज में किया जा रहा है। ग्राउंड के चारों तरफ जी शुक्रिया भाई अफगान साहब। सर्विस मोहसिन क्लब कटौली, अच्छी सर्विस कटौली। ऐसी गलतियों पर नजर रखना होगा। डिफेंड मुकाबला जिसके लिए संघ से आए टसाओ छक्का लेकिन नाकाम किया। बाल उछालेगी निहाल अहमद के लिए, लंबा हाथ या बाल टाई लाइन के बाहर और फिर सर्विस चेंज होकर अलमेरा गारमेंट्स सरांगीर के फ्लोर में सर्विस से अलमेरा गारमेंट्स डिफेंडेड। अच्छा हाथ दिया मौसम लेकिन बाल अभी भी कंट्रोल में, ज्वाइंट ब्लॉक। 8 बराबर के स्कोर पर लगातार सर्विस चेंज का सिलसिला जारी है। स्वागत है महासत्व की सरजमीन पर। हल्का प्लेस में नेट कॉन्टेक्ट, अपनी गलती को तस्लीम के एक अच्छे फनकार का सबूत दिया है। लेफ्ट हैंडर आउट अलमेरा गारमेंट्स रायनीर, नाउ स्कोर 9 अगेंस्ट 8। सर्विस कटौली सेंट्रल अंडर आर्म सर्विस वेल टेकन, नोमान टू राइट हैंडर। फिर कोशिश की यहां पर आक्रम ने लेकिन बाल कंट्रोल इस बार बाल छपुल को से बाहर, फिर सर्विस चेंज होकर अलमेरा गारमेंट्स रायनीर के फेवर में 8-9 का स्कोर। 8-9 का स्कोर। अच्छी लवली सर्विस समुद्री लहरों की तरह बलखाती हुई, बाल को संभाला खिलाड़ी। डिफेंडेड भाई अकरम, निहाल कल का ग्रास, बाल अभी भी कंट्रोल में। नोमान छोटी सी बात, बड़ी बकरफ्तारी के साथ हमला किया। अनस मिर्जा सुफियान बेग मिर्जापुर, हमारे भी जलाफोज होते हुए बड़े ऑर्गेनाइजर में नाम आता है। वाली बाल की दुनिया में बड़े ऑर्गेनाइजर में नाम आता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे इस टूर्नामेंट के लिए। स्वागत है इस कमेंट्री बॉक्स में। 10-9 का स्कोर, बहुत ही रसा कशी ने कश्मकश भरा ये मुकाबले की इस पॉइंट का मुकाबला। लेकिन कोई भी टीम हार मानने को तैयार नहीं, कभी एक कदम आगे निकलती है कटौली, कभी एक कदम आगे निकलती है हमारा गारमेंट्स रायनीर इस ग्रीस सर्विस पर कटौली। 9-10 का स्कोर है, बहुत ही प्यारा मुकाबला, कांटे की टक्कर, एक एक पॉइंट के फिर सर्विस चेंज कराने में कामयाब हमारा गारमेंट्स के खिलाड़ी। 10 अगेंस्ट 9 डिफेंडेड। अच्छी सर्विस, गुड शॉट। मोहसिन का होगा क्रॉस, नमान टू राइट हैंडर, खूबसूरत हाथ गया थर्ड लाइन के बड़ा ही प्यारा इसमें। 10-9 पर लगातार सर्विस चेंज का सिलसिला जारी है। कोई भी टीम हार मानने को तैयार नहीं हो। भाई अगले मुकाबले की जानकारी देते, भाई नेक्स्ट मैच की जानकारी देते, भाई नाजिश मोहजबी या आमिर मोहजबी या दीगर हंजरा जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो नौजवान है, अगले मुकाबले की जानकारी देते कि इसके बाद किसका मुकाबला होना है। डिफेंडेड और इस तरह से बाल छरकते हुए टाई लाइन के बाद 10 अगेंस्ट 9 गारमेंट्स रायनीर सर्विस पर। टूर्नामेंट को यूट्यूब पर कवरेज किया जा रहा है, मुर्शिद वाली बाल मीडिया यूट्यूब पर टूर्नामेंट को कवरेज किया जा रहा है, इसे कवर किया जा रहा है। सारी अपडेट अगर आप जानना चाहेंगे आज के बाद इस टूर्नामेंट को, तो मुर्शिद वाली बाल मीडिया यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो सारी कहानी सारे अपडेट आपको वहां पर मिल जाएंगे।
शुक्रिया हारिस। तो मैं रख रहा हूँ स्कोर यहाँ पे 11-9 का है। बेहतरीन ये वॉलीबॉल का मुकाबला महजपुर के सर्जरी पर, महजपुर कप का नाम दिया गया होगा, पैक से बेहतरीन प्रहार किया। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे एक और पॉइंट 12-9। सभी तरीके से अपने खेल को दिखाने की कोशिश, आदिल पैक से मोहसिन को बेहतरीन वहां पर खिलाता है, सब विचेद कराने में कामयाब हुए 9-12 के स्कोर पे। प्रहार किया है यहाँ पे अपना, तो फिर से बिल्कुल चेंज कराने में लगा कामयाब, सभी चेंज नहीं हुई दोस्त। 12-9 का स्कोर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, क्या है एक हल्की सी सर्विस से बहुत सर्विस, लेकिन क्रॉस करना चाहूं पर खूबसूरती के साथ यहाँ पे जो सिस्टम है शायद ये बेहतरीन खेल दिखा रहा है अपनी टीम के लिए। 12-9 का स्कोर। अलमारा गारमेंट का मुकाबला मैं लेकर हाँ चल रहा है, अलहमेरा यहाँ पे 12 है, मध्य मुकाबला है, हल्का सा ड्रॉप जाते लेकिन गेंद से मिली मतलब आदिल ने मोहसिन को संभाला है, टच का चक्कर था लेकिन कामयाब नहीं होने दिया। और मोहसिन क्लब को पहले मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जरूर जरा सा पिछड़ रहा है और अंपायर ने कहा डिस्चार्ज किया गया, सभी चेंज 9-12 के स्कोर पर। मोहसिन क्लब का पहले और अलहमेरा गारमेंट सरानीर के बीच ये मुकाबला चलता हुआ आपके सामने, एक दिलकश मुकाबला है यहाँ पे। तो एक नौजवान टीमें अपनी गेम को शो कर रही है, एक मौका फिर लंबा क्रॉस करना चाहा, जरूर वहां पर बड़ी चतुराई के साथ काउंटर अटैक करने अपने काम को अंजाम दिया। 12-9 के स्कोर पर सभी चेंज हुई है, ठंडक भरी रात, लेकिन ये वॉलीबॉल का मैदान लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इस महजपुर के ग्राउंड पे। एक और उनका सर्विस थी, सही पास बिल्कुल नहीं मिला है और इसको अब लंबा क्रॉस कर देंगे, संभाल लिया गया किस तरह से गेंद संभली है और बैक पर चाल हमारा गारमेंट का ये अभी कर रहा था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी चेंज है कमल लिए 9-12 के स्कोर पे। तो ये महजपुर की सरजमी पे वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुनक्द किया गया, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं जानकारी थी कि दोस्त किस तारीख में है, कब है, कहाँ है। अभी 20-25 मिनट पहले या कहूँ आधा घंटा पहले आमिर महजबी ने कहा नहीं आपको आना है, मैं भी फतनपुर से कमेटी करके घर पहुंचा तो पता चला भाई आपको आना है महजपुर में, मैं बोला आज ही वाली वाले, बोला हाँ भाई आप तो मुश्किल में आ गया हूँ इसीलिए कॉल कर रहा हूँ, तो आपको आना है हर हाल में। लेकिन आमिर महजबी एक ऐसा इंसान कि उसकी आवाज पे इनकार नहीं करता, अगर और टूर्नामेंट कोई होता तो शायद मैं नहीं आता, लेकिन आमिर महजबी की कॉल थी तो यहाँ पे आना पड़ा। एक बेहतरीन मैं देख रहा हूँ ये खेल चलता हुआ और ठंडक से तरह बचना भी चाहिए लोगों को, बेहतरीन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। और ये इस मरतबा एक सर्वचेंज 12-9 के स्कोर पे, वॉलीबॉल बेपनाह मोहब्बतों से देखा जाता है और खेला जाता है आजमगढ़ में, आजमगढ़ के तमाम लोग इस खेल को पसंद करते हैं यहाँ पे। तो इसको जरा सा ध्यान दे, 10-12 का स्कोर है, जरा सा अगर आप लोग पॉइंट को चेंज कर दिए इधर उधर कर दे तो बेहतर होगा, तब डिस्टर्ब नहीं होगा आप लोगों को, बेहतरीन। और फिर यहाँ पे हल्का सा ड्राफ देना चाहा और वेलकम डॉक्टर शाहिद साहब, शुक्रिया बहुत प्यारे रेफरशिप करते हैं आजमगढ़ के। और आसिफ भाई ने देखा उनके साथ है निगाह पड़ेंगे, तो आसिफ भाई और डॉक्टर शाहिद साहब इस प्रवीण में रेफरशिप की भूमिका निभा रहे हैं, मोहसिन वाली बॉल इस मुकाबले को दिखा रहा है। एक और उमदा सर्विस खूबसूरती के साथ संभाला गया और बेहतरीन इसमें से नतवा किया गया है। आजमगढ़ में लोग तलाश रहे हैं कि वॉलीबॉल कहाँ है, क्रिकेट तो बेपनाह है लेकिन वॉलीबॉल को लोग तलाश रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट मुकाबला किसका है बता दें, अगला मुकाबला किसका है बता रहे हैं, रोमेट में लोग जानना चाह रहे हैं। एक पॉइंट मिला है यहाँ पे, 21 पॉइंट का एक्सेप्ट 11-12, दोनों टीम बिल्कुल बराबरी के साथ आगे बढ़ रही है। अरे वाह, प्लेस जो टूर्नामेंट के मेहमान खास साकिब महजबी, शायद महजबी, उमर महजबी, वामिक महजबी, अब्दुल्ला महजबी और गुलशेर महजबी, काशिफ महजबी, इन तमाम लोगों का नाम है, यानी पूरा महजपुर है और कोई नए मेहमान की लिस्ट में नहीं देख रहा हूँ, सारे महजबी आए हैं कह रहा है महजपुर। और बेहतरीन खूबसूरती का साथ संभाला गया यहाँ पे,
काउंटर आ रहे हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ संभाल लिया गया और बेहतरीन मैं देख रहा हूँ कि संभाला गया बड़े प्यारे अंदाज में। एक मतलब बैक से आ रहे हैं और उसका हल्का सा किया खूबसूरती के साथ, आप देखें तेज प्रहार जरूर किया था लेकिन वहां पर संभालने में कामयाब नहीं रहे। पॉइंट पर भी आएगा 14-11 का स्कोर है, ठीक रहेंगे 11-14 का स्कोर बिल्कुल सुर्खी के साथ यहाँ पे। और एक मतलब महसिन क्लब के तालू अमानी मतलब प्यारा प्रहार किया था, अमान का ताल्लुक उस घराने से है जहाँ पे वॉलीबॉल बहुत दिनों से खेला जा रहा है, आज से नहीं। आप समझ रहे हैं कि मैं किस घराने से बात कर रहा हूँ, आमिर सिंह घराने का खिलाड़ी है, बेहतरीन मेरे कहा और बमबाज मैच किया लेकिन अंपायर का इशारा अभी सब चेंज हुई यहाँ पे। अब पॉइंट नहीं आएगा 12 और 14, 21 पॉइंट का एक्सर सब तैयार है सर्विस करने के लिए। एक बेहतरीन खूबसूरत पास किया गया यहाँ पे अब बहुत खूबसूरती के साथ ब्लॉक किया गया। एक और पॉइंट 13-14, टीमें बिल्कुल नेक टू नेक कदम टू कदम आगे बढ़ रही है, बिल्कुल आप एक का जवाब पत्थर से हम देंगे ये कहा है दोनों टीमें। बेहतरीन ये मुकाबला खराब सर्विस एरर ना सर्विस फॉल्ट ना सर्विस चेंज 14-13 पाना बड़ा मुश्किल है लेकिन तीन दोस्तों की भी खूबसूरत कहानी है कि इस खेल में अपने जी जान लगा दिए हैं। हल्का सा जवाब दिया यहाँ पे महसिन, तो महसिन क्लब कपोली टीम अपने गेम को शो कर रही है, बहुत खूबसूरत अपने गेम को शो करना होगा तब काम बनने वाला है। 14-13 का स्कोर है, बहुत खूबसूरती के साथ अपने गेम को दिखाना होगा बहुत ही। और फिर यहाँ पे लंबा क्रॉस कर दिया वहां पे गेंद संभालने की पूरी कोशिश की जा रही है यहाँ पे। और गारमेंट सर अच्छी सर्विस को जब पास काउंटर को लेकिन वेल काट है, 2 पॉइंट की लीड ले रखी अलहरा गारमेंट। महसिन कल को कुछ करना होगा, महसिन कल को कुछ करना होगा यहाँ पे अपने आप को बनाने के लिए। और फिर इस मरतबा वहां पे चपराई के साथ दिखाया सब इसको चेंज कराने में कामयाब हुए। तो इस मुकाबले में टीम वही जीतेगी जो जुनून के साथ खेलेगी, जो दिमाग के साथ खेलेगी। कर फरियाद से आज तक तो कोई कसर छूटा नहीं फरियाद से, तो फरियाद करने से काम नहीं बनेगा, यहाँ पे अपने जोर को दिखाना होगा, दिमाग का इस्तेमाल करना होगा तब जाके काम बनेगा। और फिर यहाँ पे संभाला गया बड़ी आसानी के साथ कंट्रात अधिकार हाथ हल्का सा क्रॉस किया लेकिन संभाल लिया बड़ी आसानी के साथ शेड, ये अच्छे सेटर है लेकिन यहाँ पे मैंने कहा हाँ 14-15 दोनों टीम ये बता रही है यहाँ पे अपने खेल को दिखाने की कोशिश कर रही है। टाइम आउट किया गया यहाँ पे तामिल महजबी एंड कंपनी इस चीज का अनाउंसमेंट करवा रहे, एक उमदा सर्विस थी सही पास किया गया और ये तेज प्रहार करने के लिए गए थे लेकिन वहां संभाल लिया गया। अब हल्का सा जरूर ड्रॉप देना चाह लेकिन भी हल्का सा ड्रॉप किया गया बिल्कुल के साथ। अब यहाँ पे बहुत खूबसूरती के साथ मैं देख रहा हूँ कि अपने काम को अंजाम पंद्राल खूबसूरती के साथ शेयर लेकिन वहां को डिफेंड किया गया महसिन क्लब की तरफ से एक और अंदा। बेहतरीन खेल चल रहा है और इस मरतबा लगातार ताबड़तोड़ हमला हो रहे हैं। 15-15 का स्कोर अगले मुकाबले में दोनों टीम तैयार है, मेहताब क्लब कटोली और मंजीत पट्टी। और हल्का सर जरूर ड्रॉप लिया था संभाल लिया है वहां पे लंबा क्रॉस करेंगे वर्ल्ड स्मैश किया था लेकिन संभाल लिया गया। और ये अमान के कूर्त को आप डिफेंड हो रहा है दोनों तरफ से, अब जंग जारी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बड़ी खूबसूरती के साथ अल हमारा गारमेंट पॉइंट की लीड ले रहा है 16-15 21 पॉइंट का एक सेट है। ग्रामीण ने बड़ा अच्छा टाउन किया है, बड़ा शुक्रिया महजपुर का एक अच्छे वाले भाई ग्रामीण के लिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर्विस को चेंज कराने में कामयाब 15-16 का स्कोर है 21 का एक सेट दिखा रहे हैं। इतना काफी लिए अच्छी सर्विस सही पास किया गया शेयर किसको आप मांगे बैकर कुल के वहां पे खूबसूरती के साथ मेरे ख्याल संभाल लिया गया है। और ये तेज प्रहार वॉट अ शॉट बेहतरीन मैं कहूंगा ये शॉट था 15-16 दोनों टीम का स्कोर बराबर है 16-16 ताले से इस्तेमाल किया जाए नेक टू नेक बराबरी पे चल रही है दोनों टीम दिल की धड़कने भरी होगी दोनों टीम। एक और अब ले दिया है यहाँ पे मौसम क्लब कटोरी 17-16 ये छोटे छोटे बच्चे आगे ना बैठे ये जगह बैठने वाली दोस्त नहीं है। अभी ये पिछले नख्तर है इन्हें समझाने की जरूरत 18 अगेंस्ट 16 तो जो छोटे बच्चे हैं दोस्त इनको भी समझाने की जरूरत है कि आप
कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है, ये सब चीज अगर हमारे बड़े बताएंगे तो बच्चे सीखकर आगे अच्छा करेंगे। इसको 18 सेना है और फिर हमें एक ऐसा जवाब दिया कल दिन संभाला गया यहाँ पे क्या खुद तक खेल चल रहा है और एक मतलब फिर खुद से कहा चला मेरा गार्डमेंट दबाव में देखा जा रहा है लेकिन मतलब ब्लॉक 97 कामयाब 16-18 का स्कोर है। मंजीत पट्टी टीम बिल्कुल तैयार है आपका मुकाबला खेला जाएगा। मुन्ना महजरी और रिजवान महजरी, महमूद महजरी और सिराज महजरी, जफर उर्फ गुल्लू महजरी, आपका भी शुक्रिया गुल्लू। आप लोग मैं देख रहा हूं कि ये सारे लोग मेहमान खास हैं। बहुत प्यारा सभी बच्चे निकालने में कामयाब है। पॉइंट की लीड लोग अलहमारा गारमेंट एक दूसरे को देख रहा है अलहमारा गारमेंट की क्या हो रहा है। 2 पॉइंट की लीड लेती ली 3 पॉइंट पिछड़ा है तो बेहतरीन गेंद शो किया यहाँ पे मोहसिन क्लब कटौली ने बेहतरीन अंदाज में अपने गेंद को आगे बढ़ाया है। बहुत प्यारा खेल चल रहा है वैसे यहाँ पे महजपुर की सरजमी पे और वो बता दो नंबरा में 8-9 तारीख को अल्लामा शिबली नवानी मेमोरियल ऑल इंडिया वाली वाय टूर्नामेंट होने वाला है। अभी भी काला है कि अपने टिकट को आप ले लें, आप टिकट निकाल लें। 8 जनवरी से आपको ग्राउंड पे आना है और वहाँ ऑल इंडिया वाली वाय टूर्नामेंट होने वाला है 8-9 जनवरी 2023 अल्लामा शिबली नवानी मेमोरियल ऑल इंडिया वाली वाय टूर्नामेंट जिसके ऑर्गेनाइजर महफूज शेख मामा होते हैं। तो ये बेहतरीन टूर्नामेंट होता है, 2 साल गैप था तो इंशाल्लाह इस बार हाजिर होगी मुंबरा स्पोर्ट एंचे के टेबल टेस्ट में और उसके बाद पूना में भी होगा, उसके बाद वापिस में भी होगा, तब डिजार डिजी सीजन होगा 10 जनवरी में। तो शुक्रिया तमाम लोगों का इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ने के लिए। बहुत खूबसूरती के साथ मैं देख रहा ये खेल चल रहा है, बेहतरीन खूबसूरती के साथ संभाला गया यहाँ पे, संभाल लंबा क्रॉस किया है एक मतबा सिर्फ बाजर या डांस जरूर था लेकिन इसको संभाल लिया गया है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सर्विस 16-19 है, 16-19 तो ये बेहतरीन टूर्नामेंट आज महजपुर की सरजमी पे, लेकिन तमाम महजपुर के लोग इस टूर्नामेंट को इसमें टाउन किया है इन लगाया है समय में। तो मैं लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो लोग समय के साथ जुड़े हुए हैं और महजपुर आमिर महजरी का शुक्रिया। अभी बेहतरीन मैंने कहा मैच कर रहे हैं सभी चीन प्राणने में इससे कौन मिल जाएगा 17-19 अभी 2-3 दिन पहले जिक्र हो रहा था महजपुर का कस्बा माहौल दुकान पे था हमारे तो कस्बा माहौल 2-3 दिन पहले ये जिक्र कर रहा था और अगर ये आमिर महजरी की कॉल नहीं होती तो उस ठंडक में मैं आने वाला नहीं था क्योंकि दिन भर कमेंट्री किया फिर सुबह से मुझे कमेंट्री करनी है फतनपुर में। मोहसिन क्लब कटेली 19 बनाया है बल खाते हुए सभी संभाल लिया गया एक मतलब फिर आप देख रहे हैं वहां पे अमान मिशन करना चाहा बताया गया लेकिन संभाल नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि अल्लामा शिबली नवानी मेमोरियल ऑल इंडिया वाली वाय टूर्नामेंट बमकाम महाराष्ट्र ममरा बतारीख 8-9 जनवरी 2023 ऑर्गेनाइजर है महफूज शेख मामा मंसूर और अर्शद भाई ये तमाम लोग जो टूर्नामेंट में पूरी मेहनत करते हैं बहुत शानदार टूर्नामेंट होता है। अगर नेशनल टूर्नामेंटों को छोड़ दिया जाए तो हमारा जैसा टूर्नामेंट पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता, बेपना भी दूर रहती है। तो शुक्रिया महफूज शेख मामा एंड कंपनी अल्लामा शिबली नवानी की याद दिलाने के लिए। अल्लामा शिबली नवानी मेमोरियल बेहतरीन खेल चला है इस ग्राउंड पे
एक मतलब अपनी उसमें बच्चा प्यारा गेम शो कर रहा है। बहुत खुशी जी के साथ मैंने कहा ये खेल चल रहा है। 20-18 का स्कोर है, 18-20 का स्कोर है, 18-20 है। बहुत मुश्किल खड़ी है टीम अल हमारा के लिए, कुछ करना होगा अल हमारा को, वरना काम करेगा। इस टीम को देखकर मुझे बड़ी खुशी मिल रही है। जो ये महसूस क्लब का बैलिंग बहुत यंग है बिल्कुल, अगर इनके एवरेज उम्र निकाली जाए तो ये 30 साल से ज्यादा नहीं होगी। हर बच्चे 18 साल 19 साल 22 साल हैं, तभी ये नौजवान हैं हमारे आजमगढ़ का नाम करेंगे। वॉलीबॉल में जम के खेलो, अपना नाम रोशन करो, बहुत अच्छा स्कोप वॉलीबॉल में है, अच्छा करेंगे आपको मिलेगा। आपने निगरी चिश्ती का नाम सुना होगा, वो भी आपको बता दिया है कि आप खेलें तो आपको जान मिलेगी, खेल मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, प्यार मिलेगा। पैसा तो हर जगह मिलेगा लेकिन मोहब्बत और इज्जत मिलनी चाहिए। और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अंपायर आंखों आंखों में इशारा, बट अभी एक और पॉइंट 19-20। अब ये मुकाबला बहुत खतरनाक मोड़ पे आ चुका है, हल्का सा ड्रॉप दिया था बड़ा जहरीला, सब इसको चिंता में कामयाब 20-19 के स्कोर पे जी। और ये जो हमारे मेहमान, मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, महजपुर के तमाम नौजवानों ने कहा शुक्रिया, जफर उर्फ जफर से गुन्नू साहब। और फिर इस वक्त बाद रुतीन पहाड़ क्या का संभाल लिया गया है, गोल्डन चांस, अ गोल्डन चांस बट नॉट सक्सेस, वंस अगेन अ काउंटर टेकर लवली स्मिथ, कोटर डिफेंड किया गया वहां पे, 21-19 से मुकाबले को जीता है महसिन क्लब कतौली, 21-19 से जीतने में कामयाब रहा, हमारा को शिकस्त खानी पड़ी है। जफर और फिर